तो राब को बुला के आओ, जल्दी जाओ, बोलो आपका कबूतर इधर आ गया। एक यार जो हम कल कबूतर लेके आए थे ना, वो चार कबूतर, उनमें से जो व्हाइट वाला था वो यहाँ पे उड़ के आ गया है, और इसके पर भी कटे हुए हैं, फिर भी यार यहाँ तक कैसे आ गया हमें समझ नहीं आ रही। भाग के जाओ, भाग के। तो यार मैंने शयान को भेजा तुराब के पास कि उसको बुला के आए, पता नहीं उसको बुला के आता है कि नहीं आता। अब मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मैंने देखना है कि किस साइड पे जाता है। अगर मैं तुराब को बुलाने चला जाता ना, ये कबूतर यहाँ से उड़ के निकल जाता कहीं और, हमें पता ना चलता कि कहाँ गया। तो यार इधर हमने पूछा तो उन्होंने कहा यार वहाँ से रास्ता बंद है, ताला लगा हुआ है, तो हमें इधर से ही उड़ाना होगा। तुराब कोई जुगाड़ करो भाई, करो, मारो 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 मारो। तो यार तो आप कोशिश कर रहे हैं उसको उड़ाने की, लगे भाई ख्याल करो उनके घर में जा रहे हैं बट्टे सारे। तो यार ये तरीका तो हो गया हमारा फ्लॉप, बट्टे छट्टे मारे हैं, मैंने नहीं आ रहा। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी दूसरी छत पर जाते हैं, अपने कबूतरों को वहां पर छोड़ते हैं जिनके पर कटे हुए हैं, तो शायद ये कबूतर उनको देख कर आ जाए। ये कबूतर दोस्तों वो है जो हमने कल लिया था, उड़ना जाएंगे। ओहो गिर जाता है ये भाई। यार अभी तक तो यार वहीं पे बैठा हुआ है जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था, ये देखें यहाँ पे बैठा है आराम से, सुकून से बैठा, कोई फिक्र ही नहीं है इसको, हम टेंशन में आ गए और ये आराम से बैठा है। अल्बाइनो डव व्हाइट वाली, ओए हो यार, यार यहाँ पे अल्बाइनो डव हमारी वाइट वाली मरी हुई है यार, बीमार थी यार काफी दिनों से ना, तो आज देखे मर गई। मुझे भी देना, वो मर गया है बेचारा, मुझे देना। मरा हुआ क्या करोगे? आज कुकर में नहीं करूंगा। रुको 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 रुको, ये मरा हुआ है। नहीं नहीं आप ही उठाओ, जर्म्स होते हैं ना इसमें। तो इसको तुम सब जाओ नीचे, ठीक है, इसको दफना के आओ, ठीक हो गया? ठीक है जाओ जाओ जाओ, जाओ। नीचे जमीन में। तो यार यहाँ पे बच्चे दफना रहे हैं हमारी प्यारी अल्बिनो डव को, बेचारी बहुत प्यारी थी लेकिन यार बस उसकी इतनी जिंदगी होगी। अच्छा यार तुराब ने कबूतर उड़ा दिए अपने, इस साइड पे भी जा रहे हैं और वो कबूतर वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, इनको देख के शायद वो उड़े और इस साइड पे आए हमारे घर की तरफ। तो देखते हैं यार वो आता है कि नहीं आता। ये देखें हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर से उसका सर, यहाँ पे सारे कबूतर बैठ चुके हैं हमारे उड़ने वाले, तो वो इनको देख सकता है यहाँ पर, तो उम्मीद है कि वो आ जाएगा इधर। ये उड़ा दिया तो हमने, ये देखें यार। तो यार हमारा कबूतर अभी तक वहीं बैठा हुआ है, हमने कोशिश की है बाकी कबूतरों को सबको अपनी छत पर बिठाया है लेकिन उसके बावजूद वो उधर ही बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा कि यार जिन कबूतरों के पर कटे हुए हैं हम इन कबूतरों को उठा के अपने दूसरे घर की छत पर बिठा देते हैं कि शायद वो कबूतर इन कबूतरों को देख कर आ जाए। तो मेरी आखिरी ट्राई है यार, पता नहीं उधर हम ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन कबूतरों को वो जानता है, क्योंकि उनके साथ था जहाँ से हम लेके आए थे और इनको पहचान लेगा। आप यहीं पे रुको, चलो मैं पकड़ लूंगा, ऐसे बिठा दो, वो बैठा है यार, अब देख के आएगा इनको, आएगा हम मारेंगे किसी जगह पर जिनके पर कटे हुए। तो यार मैं कोशिश करता हूँ अब फिर से नीचे जाने की और इसको कोई चीज मारता हूँ, शायद फिर ये डर की वजह से उन कबूतरों को देख के वापस उसी जगह उनके पास आ जाए। तो यार सीते हैं तुम यहाँ ठहरो, इसको देखते रहो, मैं जा रहा हूँ नीचे, नीचे से देख। ओके 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 ओके। तो यार तुराब नीचे आ चुका है, अब ये क्या करेगा, जैसा कि उसने बोला है कि वही यहाँ पे कोई कंकर वगैरह मारेगा, फिर वो डर के मारे उड़ेगा, फिर इस साइड पे आएगा हमारे घर की तरफ। ये ऐसे ऐसे ये गया आ गया, आ गया आ गया हमारे घर की तरफ, आ गया आ गया आ गया आ गया, शाबाश शाबाश शाबाश, इधर ही आ गया यार, बिल्कुल हमारे सामने ये बैठा है यार, क्या बात है। हट जाओ बच्चों, हट जाओ, आपसे डर रहा है, आपसे डर रहा है, साइड पे साइड पे साइड पे। मैं इनको यार यहाँ पर बिठा रहा हूँ ताकि वो कबूतर वहाँ से उड़े और यहाँ पर देखे कबूतर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आके बैठ जाए, ठीक है। ये आ रहा है, आ रहा है, इधर इधर आ गया कबूतर हमारा। बच्चों आप हटो यहाँ से, नीचे जा रहे हैं यार कबूतर हमारे, ये भी दोनों गए। तो यार हमारा कबूतर ये बैठा हुआ है, गया, ये देखें ये गया, ये जा रहा है, ओए ओए बैठ जा बैठ जा, बैठ गया यार यार देखे मैं कितना ऊंचाई पर ठहरा हूँ, बहुत ऊंची जगह है ये। तो कैप्टन ये पकड़ो यार, मैं उसको पकड़ता हूँ जाके। ओए नीचे 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 ऊपर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो देखो वो बैठ गया यार, शुक्र है यार हमारा कबूतर जहाँ से उड़ा था वहीं पे वापस आ चुका है। यहाँ से उठा लो, ये साफ है, ये सही रहेगा ना? हाँ साफ सही रहेगा। तो यार हम ये नेस्टिंग मटेरियल उठा रहे हैं अपनी मुर्गियों के लिए, जो उनका हमने घर नहीं बनवाया नया वाला,
ताकि वो हमारी मुर्गियां इसी घर में अंडे दें। हमारी गंजी मुर्गी अभी अंडे दे रही है ना, तो उसके लिए हम ये बना रहे हैं ताकि वो कबूतरों के डर में जाती है ना, मसला ये मसला करती है और कबूतर बेचारे डिस्टर्ब होते हैं और कबूतरों के अंडे भी टूट जाते हैं। तो ये मटेरियल हमने रखवा दिया था ताकि हमारे काम आएगा आगे, और आ भी रहा है तो चलो इतना काफ़ी है, एक डर में हम डाल लेंगे। चलो आ जाओ आ जाओ। तो यार अभी तक हमारा डायमंड एफ का बच्चा जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है अपने बाप से फीड लेने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अभी तक ये इतना बड़ा नहीं हुआ कि खुद से फीड करे, तो यार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और ये डव भी इसको फीड देती है और अपने बच्चों को भी पाल रही है जो कि हमने कबूतर का रखा था, वो देखें डव इसकी बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। तो यार अभी देखते हैं कि ये कितना बड़ा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह यार काफ़ी हेल्दी है। हाँ सही है सही है सही है यार, दो डव्स हैं, उनका साइज़ भी देखें कितना छोटा है, लेकिन मिल के पाल रहे हैं तभी इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है। अगर कबूतर पालते ना इसको तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती, क्योंकि कबूतर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन डव्स भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर गोल्डन फिंचेस का पानी कम था तो मैंने यार डाल दिया इसमें, तो इनको एक दिन काफ़ी है, तो दोबारा कल चेंज कर दूंगा। और अभी तक इन्होंने कोई ब्रीडिंग वगैरह नहीं की, तो देखते हैं कब तक करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते। बहुत नखरे करते हैं यार गोल्डन फिंचेस, बहुत ही मुश्किल से ब्रीड करते हैं। हमने नेस्टिंग बॉक्स तो लगाया हुआ है फिर भी यार ये नहीं कर रहे, तो देखते हैं कब तक होता है, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते ना यार। तो यार हमारी मुर्गियों को अपना नया घर पसंद आने लग गया है, यहाँ की आदत इनको हो रही है। अब हमारी कुड़क मुर्गी और साथ में गंजी मुर्गी खुद ब खुद अंदर जाती है। गंजे चिक्स थोड़ा सा हमें तंग करते हैं, लेकिन हमारी कुड़क मुर्गी और गंजी मुर्गी खुद ब खुद आ रही हैं। और अब हमने फैसला है कि आके चलो जी आज हम थोड़ा सा इधर नेस्टिंग मटेरियल डाल लेते हैं, ताकि हमारी गंजी मुर्गी जो जाती है ना कबूतरों के डरबे में और उनको तंग करती है, तो आज हम इसके अपने डरबे में नेस्टिंग मटेरियल डाल लेते हैं, ताकि अपना यहाँ पर वो घर बनाए और यहाँ पर अंडे दे और यहाँ पर कुड़क हो। फिलहाल कुड़क पर तो हम उसको नहीं बिठाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसके लिए ये जगह काफ़ी बेहतर लग रही है मुझे। तो नेस्टिंग मटेरियल हमने डाल दिया और अब हम ये दरवाज़ा इनका बंद कर देते हैं। खिड़की इसको आदत बनाने में टाइम लगेगा, यहाँ से जाएगी ढूंढेगी, ये देखो अगर बंद रखेंगे एक दिन पूरा इसको बंद रखेंगे। हाँ। जब ये अंडे देने के लिए इधर उधर भागेगी ना इसको ये जगह नजर आएगी, और ये जगह जब इसको पसंद आएगी ना फिर तो कहीं नहीं जाती है, बैठ जाएगी। चलो ये तो हो गया काम पूरा। और यहाँ पर इसका अंडा आया होगा कितना कोई सारे खाली है। और देखो यार माशाल्लाह कितना प्यारी ग्रोथ हो रही है इनकी, ये देखो ये इससे फिर मांग रहे हैं, ये लकी नहीं है ये कोई और है, तो ये क्यों इधर घुसा हुआ है पता नहीं। और फिर देखो बच्चे इसके पास आ रहे हैं कि मुझे खाना दो। चलो हटो इसको निकाल लो आ जाओ। और माशाल्लाह यार देखो सही ग्रोथ, तो देखो इनकी बहुत प्यारी ग्रोथ हो रही है। ओए होए 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 इसका पूंछ ब्लैक है। हां ऐसा ही है ऐसा ही है। और ये वाला भी लकी कबूतर ब्लैक है और वाइट भी है। हां ये प्योर वाइट है सही देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको देखो जिप्टन ओए होए 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 ये वाइट बच्चा है इसका, मोटे नाक वाला। हाँ मोटे नाक वाला और जिस तरह से इसका बाप है ना, मुझे तो वैसे लग रहा है कि बाप सेम टू सेम है। प्यारा होगा मतलब प्यारा है। देखो देखो तीन बच्चे आ गए हमारे डरबे में। सही है बहुत प्यारा लग रहा है यार ये तो मुझे। ये अंडे मुझे पुराने लग रहे हैं, मतलब इनमें से बच्चे निकलने वाले हैं। ठीक है तो हम कुछ दिनों के लिए वफादार की पार्टनर के नीचे अंडों पे बैठी है। हाँ वो बैठती है अभी तो है? और कबूतर घुसा हुआ है लेकिन वो यहाँ पर बैठी चार है। बच्चे पालेगी क्या दो, देखते हैं यार क्या करती है। चलो मैं रख रहा हूँ ठीक है। चलो रख दो यार, क्योंकि एक कबूतर अगर दो बच्चों को पाल सकते हैं ना, तो दो कबूतर चार बच्चों को पाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा उनको अगर निकले तो। ये चार अंडे दोस्तों हमने एक कबूतरी के नीचे रख दिए और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर यार काफी दिनों से अंडा पड़ा हुआ है बाजी कबूतरों को, और ये अंडा खराब हुआ पड़ा है। ये देखें ये अंडा खराब है सिप्तान, इधर नहीं फेंको यार, फिर सफाई कौन करेगा। बहुत अच्छे ना ये खराब है अंडा, इसको हटा लो। तो यार अभी काफी भाई मुझे पूछ रहे हैं कि यार आपका बकरा कब आएगा, कुर्बानी का बकरा कब आएगा, काफी दिन गुजर गए हैं, आपने बोला था कि आएगा, आपने फार्म भी बनवा लिया है, तो कुर्बानी का बकरा लाजमी लाएं जल्दी लाएं। तो यार इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह कन्फर्म नहीं है पूरा 100%, लेकिन कोशिश पूरी होगी कल हमारा बकरा आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों तो लाजमी आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद ये थे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।